पे देखोगे तो आप ये इसके अंदर एक डैम्पिंग हुई है। अच्छा, ये डैम्पिंग करी है भाई। तो भाई पहले ये वाले स्पीकर आते कंपनी से, चेंज करके लगा दिया इसके अंदर कंपोनेंट वो भी आर पार का कंपोनेंट ने लगा दिया। सीट कवर इसके अंदर कुछ इस टाइप के कलर के अंदर है भैया। देखो भाई, ऑन करने के बाद थ्रो चेकआउट करो, सामने की साइड भाई रात हो रही है और इस टाइम पे चांदना कर दिया। ये देखो भाई, इंडिकेटर के साथ ना कुछ इस टाइप से वर्क करती है। ये देखो यहाँ पर अपना फेंडर मिरर भी इंस्टॉल होने लग रहा है। ये देखो पिलर लाइट लगने के बाद ना भाई क्या तगड़ी लुक निकल के आ रही है स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर। हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल और भाई अभी अपने पास है बदमाशों वाली गाड़ी जिसको बोलते हैं। और भाई ब्लैक कलर के अंदर तो क्या माफिया सी लुक निकल के आती है इसके अंदर। बताने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी बता देता हूँ भाई, महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक है और क्लासिक का भी भाई बिल्कुल टॉप वेरिएंट है S11। तो अब आप कह रहे हो कि भाई S11 के अंदर क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि टॉप मॉडल में तो ऑलमोस्ट सारे फीचर आ जाते हैं। पर लेकिन नहीं भाई, उसके बाद भी ना लोग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कराना पसंद करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, दो वेरिएंट आते हैं, एक बेस और दूसरा अपना टॉप आता है S11। तो इसके अंदर देखते हो भाई आप फ्रंट में अपने को प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, LED, DRL वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। पर लेकिन बाहर से इसमें ज़्यादा कुछ खास काम नहीं हो रहा, मेन काम इसके अंदर इंटीरियर में हो रहा है। तो चलो भाई आपको इंटीरियर में लेके चलता हूँ, क्योंकि मेन काम ना इसके अंदर सारा इंटीरियर के अंदर हो रहा है। अभी अपने साथ मयंक भाई, कैसे भाई? बढ़िया भैया। तो आ जा भाई, स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में क्या क्या करा सबसे पहले? ये फ्रंट पे देखोगे तो आप ये इसके अंदर एक डैम्पिंग हुई है। अच्छा, ये डैम्पिंग करी है भाई, डबल लेयर डैम्पिंग है, इसके अंदर भी डैम्पिंग हुई है। अच्छा, इधर की साइड भी डैम्पिंग होती है भाई। कोई कोई ना सिंगल कराता है, कोई कोई डबल, तो ये डबल करा रखी है भैया। देखो इसके अंदर ये पहले तो कंपनी फिर जो स्पीकर लग के आए हैं S11 मॉडल इसका। अच्छा, कंपनी के। अच्छा, कंपनी से पहले लग के आते हैं इसके अंदर। ये देखो भाई, तो भाई पहले ये वाले स्पीकर आते हैं कंपनी से, 130 वोल्ट के स्पीकर होते हैं। अच्छा, पर गोल करना। ये पहले भाई कंपनी से इस टाइप के आते हैं, अभी भाई ने चेंज करके लगा दिया इसके अंदर कंपोनेंट वो भी आर पार का कंपोनेंट है, GTO आती है, JBL की है। ये देख लो भाई, JBL का तो नाम चलता है वैसे भी। ये क्या क्रॉस ओवर? हाँ जी। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा, इसको मिनी एम्पलीफायर बोलते हैं। अच्छा, सारा आउटपुट इससे यही देगा भैया। अच्छा, यही देगा, इसके अंदर एम्पलीफायर भी लग रहा है। अच्छा, अगर लास्ट में बेस ट्यूब की भैया को जरूरत हुई तो वो बेस ट्यूब भी लगाएंगे। ओके ओके, और भाई ने लगा दिया सीट कवर इसके अंदर कुछ इस टाइप के कलर के अंदर है, भैया के ऑर्डर पर बनाए थे इसलिए। ओके, तरीके के लगवाए। ये देखो भाई, वहाँ पे चढ़ने लग रहे हैं अभी सीट कवर पूरे के पूरे मिल जाएंगे हमारे पास में, जैसा डिजाइन जैसा कलर चाहिए आपको वैसा। ओके ओके, मयंक भाई इसमें फ्लोरिंग वगैरह भी करिए क्या? नहीं भैया, इन्होंने 70 मैट पहले से ही लगाए हैं, तो ये भैया बोल रहे हैं चलने दो। ये भाई पहले से ही लगवा रखे हैं इन्होंने। और उसके बाद पीछे की साइड कुछ करा खास चेंज? डिग्गी के अंदर एक लगेगा आपका 650 वोल्ट पाइनियर का ओवल। अच्छा, पाइनियर का ओवल, वो बेस का काम करेगा इसमें। अच्छा, बेस का काम, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी है ना, तो बेस तो चाहिए ही चाहिए। ये देख लो भाई, पीछे बूट गेट पे भी अपनी डैम्पिंग हो रही है, इससे पता है क्या गाड़ी की पूरी हैवी लुक आ जाती है ना। बिल्कुल बाहर की नॉइज अंदर नहीं आती और अंदर की बाहर नहीं जाती है ना। उसके बाद भाई मैं भाई इसके अंदर पिलर लाइट भी लगा रहा कोई? हाँ जी, एक ये पिलर लाइट भी चेंज होगी इसकी। अच्छा, ये वाली पूरी चेंज हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, वो एलईडी लग जाएगी? वो एलईडी लग जाएगी। ओके ओके, एक इसकी फ्रंट पे हेडलाइट के अंदर इसके व्हाइट बल्ब लगेंगे, वो भी एलईडी बल्ब इंस्टॉल होंगे। अच्छा, पहले इसके अंदर हैलोजन आते हैं? पहले इसके अंदर हैलोजन आते हैं, S7 मॉडल नंबर। ओके ओके, तो भाई इसके अंदर हैलोजन लाइट आती है, अभी वो भी चेंज हो जाएगी। अभी जैसे धीरे धीरे काम हो रहा ना, तो आपको दिखाता रहूंगा, पर लेकिन पहले एक बार काम हो जाता ना, फिर आपको असली लुक निकल के आती है। ऐसे देखोगे आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। पर लेकिन ब्लैक कलर के अंदर अगर करवा लेते हो ना इसमें मॉडिफिकेशन अच्छी खासी, तो भाई काफ़ी तगड़ी सी लुक निकल के आ जाती है। अभी डैम्पिंग वगैरह से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, स्पीकर लग जाएंगे तो साउंड और तगड़ी निकल के आएगी, इससे अंदर अंदर गूंजती रहेगी, साउंड प्रूफ हो जाती है ना गाड़ी डैम्पिंग। हाँ, इसका बेनिफिट तो है। और ये भी लाइफ टाइम गारंटी है इस डैम्पिंग की, योंकर कंपनी की आती है। योंकर कंपनी की डैम्पिंग है भाई, और डबल लेयर हो रही है, सिंगल भी नहीं डबल लेयर, अंदर भी, ये देखो अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी, डबल लेयर बोलते हैं इसको इस टाइप से। तो चलो धीरे धीरे काम हो जाते हैं, फिर दिखाता हूं आपको। तो भाई यहाँ देखो, इस टाइप से सीट कवर चढ़ने लग रहे हैं अपने। तो भाई इसके अंदर क्या काटनी वाटनी पड़ती है सीटें? ऐसी चढ़ जाते हैं, कटिंग करनी पड़ती है? अच्छा, पहले जो ये नीचे का होता है ना भाई, पहले सेंटर वाला, उसको थोड़ा सा कटिंग करके फिर आराम से फिटिंग के हो जाते हैं। देखो अभी भाई ने चढ़ा दिया इजीली, तो बिल्कुल फिटिंग के साथ आ जाते हैं इजीली, कोई भी वो नहीं होता। देखो कुशनिंग वगैरह अपने को काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, इसी टाइप से अभी चारों पर चढ़ने लग रहे हैं। तो भाई जैसा आपको पता होगा, स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर हैलोजन लाइट आती है फ्रंट में, तो अभी भाई ना इनको चेंज करके LED लगाने लग रहा है इसके अंदर, तो LED का ना काफ़ी अच्छा थ्रो निकल के आ जाएगा। नहीं देखो भाई, पहले हैलोजन लाइट आती है ना, तो भाई ये वाली LED लाइट इंस्टॉल करिए इसके अंदर, 130 वॉट की है, सुपर पावर वगैरह कुछ करके आती है भाई, इनका थ्रो काफ़ी अच्छा निकल के आ जाएगा। देखो DRL तो अपनी कंपनी से आ जाती है, यहाँ पे पहले हैलोजन थी उसको चेंज करके ये वाली LED लगा दी। अभी जैसे कनेक्शन हो जाएंगे ना इनके, तो आपको ऑन करके दिखवाता हूँ फिर। तो ये देखो भाई, अभी इसी कर दिया हमने लाइट ऑन, ये देखो प्रोजेक्टर में भी और दूसरे वाली में भी LED डाल दिया। पहले आप सिंगल प्रोजेक्टर का थ्रो चेकआउट करो भाई, दिन के टाइम पे भी अभी आपको थोड़ी बहुत रोशनी दिख रही होगी, रात को अलग ही ढंग से इसकी क्लियरनेस आ जाएगी। उसके बाद अगर एक बार डिपर मारना भैया, जरा इसके डिपर मारना, डिपर में भी आप भाई आपको स्वाद आने वाला है। देखो ये देखो, डिपर में ये वाली जलती है, बाकी अभी नॉर्मल ये वाली जलती रहती है, और सामने की साइड देख सकते हो। ये देखो भाई, दोपहर के टाइम पे इतने ज़्यादा वो कर रही है रोशनी, तो शाम के टाइम पे तो मतलब अंधेरे में तो बिल्कुल चांदना कर देगी ये देख सकते हो। डिपर में भी बड़ा स्वाद आएगा इसमें मारने में।
और भाइयों इसके अंदर ना DRL भी इंस्टॉल होने लग रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले इस टाइप की हेडलैम्प के अंदर तो आती है, पर लेकिन भाई ने ना यहाँ पे आफ्टर मार्केट इसके ऊपर से भी इंस्टॉल कराई है, जो कि हेडलैम्प से अलग है। जैसे इसमें आती ना, यहाँ पर देख सकते हो अंदर दे रखी है, इसके ऊपर लगाई है पूरी की पूरी, बोनेट के अंदर दिखेगी भी नहीं। अब जैसे कि निकल जाएगी, अभी लगने के बाद ना तब आपको ढंग से पता लगेगा। ये वाली DRL देखो हेडलाइट के अंदर, और ये वाली देखो जो कि बाहर लग रही है। तो भाई अब ये स्कॉर्पियो S11 के अंदर ना ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, जो जो मैंने आपको बताया था। तो भाई सबसे पहले इसके अंदर फ्रंट में LED हेडलैम्प डाले, भाई जरा ऑन करियो। ये देखो भाई, ऑन करने के बाद थ्रो चेकआउट करो, सामने की साइड भाई रात हो रही है और इस टाइम पे चांदना चांदना कर दिया। इसमें प्रोजेक्टर आपने नॉर्मल, इसमें LED डाली है। तो भाई डिपर मारियो, ये देखो भाई डिप्पर, देखो डिप्पर भी ना काफ़ी तगड़ा सा निकल गया है, देखो सामने की साइड। उसके बाद भाई एक यहाँ पर इसके अंदर DRL लगाइए, देखो सेंटर में ना, ये तो आती है पहले से, उसके बाद ये वाली लगाइए। इंडिकेटर ऑन करियो, ये देखो भाई इंडिकेटर के साथ ना कुछ इस टाइप से वर्क करती है। ये वाली तो अलग है, और ये अपनी एक्स्ट्रा लगाइए इसके अंदर, जैसे कि इंडिकेटर के साथ भी वर्क करेगी, और वैसे अगर बंद कर देंगे तो LED जलेगी। इंडिकेटर बंद करियो एक बार, ये देखो अब नॉर्मली अपनी LED जलने लग जाएगी। तो भाई ये कुछ फ्रंट से पूरा का पूरा काम हुआ है इसके अंदर, और गाड़ी की लुक बिल्कुल भाई जहरीली नागिन जैसी आ रही है, तगड़ी सी निकल के। तो भाई अब लेके चलता हूँ आपको साइड प्रोफाइल में। तो साइड में इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं हुए बस, लेकिन अपना जो अभी यहाँ पर ना एक फेंडर मिरर लगने वाला है इसके अंदर, वो भी आ रहा है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। पीछे की साइड लेके चलता हूँ भाई, पीछे से आपको मेन असली लुक निकल के आने वाली है इसकी। तो ये देखो भाई आ गया स्वाद। तो ये देखो भाई, पहले ना इसके अंदर यहाँ पर लाइटें नहीं आती थी पिलर वाली, यहाँ पर कुछ और आता था ना बंद हो गया। अब ये देखो पिलर लाइट लगने के बाद ना भाई क्या तगड़ी लुक निकल के आ रही है स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर। जैसे कि इंडिकेटर के साथ वर्क करते हैं, इनमें जलती रेडी है पर लेकिन वर्क करते हैं इंडिकेटर के साथ। अभी जैसे यहाँ पर देखोगे इंडिकेटर जल रहा है, तो ये भी साथ के साथ जल रही है। इंडिकेटर बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, और बंद करवाता हूँ मैं क्या करूँ। इंडिकेटर बंद करिए भाई, ये देखो भाई इंडिकेटर बंद कर दिया, तो अपनी नॉर्मली इस टाइप से चलती रहती है दोनों की साइड। वो वाला इंडिकेटर चला तो उधर ब्लिंक कर रही है, ये वाला इंडिकेटर चला तो इधर ब्लिंक कर रही है। और भाई लुक काफ़ी तगड़ी सी निकल के आ रही है देखो पूरी की पूरी, और पहली वाली लाइट नहीं आती थी। अब लेके चलता हूँ मेन आपको इंटीरियर में, और फिर इंटीरियर में असली बात करेंगे कि अपने को इंटीरियर में क्या क्या चेंज करने को मिला है। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में दिखाया था, इसके अंदर हुई थी डैम्पिंग, और डैम्पिंग के बाद यहाँ पर लगे भाई सीट कवर, जो कि इंग्लिश वाइन कलर बोलते हैं इनको, वाइन कलर, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन्हें शायद बताया था मेमोरी फोम डाल दी जो पेन में हो हमारे। अच्छा ये देखो भाई मेमोरी फोम डाल दी इसके अंदर, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी अपनी बैकबोन। और भाई बता रहे थे इम्पोर्ट होते हैं कहीं से, ये अपने यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर बहुत कम करते हैं, बाकी इम्पोर्टेड है ये। और उसके बाद ये अपने हैंड रेस्ट वगैरह इन पे भी कवर चढ़ाया ना, ये भी हाँ जी इसके ब्लैक कलर का लगा। और भाई जो मेन असली काम हुआ है ना वो इसके अंदर सिस्टम का, क्यों मयंक भाई? क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर कैप्टन सीट के अंदर स्पेस नहीं होता बूफर का। हाँ। तो भैया ने क्या आगे GTO कंपोनेंट लगाया, 650 वोल्ट के पाइनियर के ओवल लगाए, और एक इसके सीट के नीचे इसके अंदर एम्प लगाया। अच्छा एम्प लगाया, तो भाई आप सुनाते हैं उसके साउंड आपको टक देने से मजा आने वाला है। और उसके बाद पीछे वाली सीट पे देखोगे यहाँ भी अपने नॉर्मली कवर ही चढ़े हैं, अब आपको साउंड सुनाएंगे ना तब आपको असली मजा आने वाला। और ये तो पहले से आया था क्योंकि टॉप मॉडल था भाई S11 था। इसका बेस मॉडल भी हो तो बेस मॉडल का भी हमारे पास सारा सामान है, फुटरेस्ट से लेकर सारी चीज आपको मिलेगी। ओके ओके, स्टीयरिंग कंट्रोल होगा, ये आपको जेन्युइन मिल जाएगा, ये पूरा स्टीयरिंग चाहिए तो ये स्टीयरिंग जेन्युइन मिल जाएगा, इस चीज को आपको निपोन का मिल जाएगा यहाँ पे आफ्टर मार्केट के अंदर। तो मयंक भाई का कहना ये है कि आप स्कॉर्पियो का ना बेस मॉडल लेके आओ सिल्वर स्टार पे, और भाई बिल्कुल टॉप मॉडल बना के दे देगा आपको, जैसा कि अपनी ये सिस्टम हो गया, या फिर अपनी एडजस्टेबल सीट हो गई, या पीछे वाली कैप्टन सीट हो गई। अगर भाई जो बीच में सीट आती है उसकी हाफ आप मिल जाएगी अगर कोई लगवाना चाहे, मिल जाएगी। ये देख लो भाई, इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि किसी किसी को ना सिंगल सिंगल बैठना पसंद होता है। तो भाई अब आती है असली बारी आपको इसका म्यूजिक सिस्टम सुनाने की, जिसमें फ्रंट में कंपोनेंट डाले हैं और पीछे की साइड अपने नॉर्मल वाले, और पीछे एक बूट में स्पीकर लगाया है और एम्प लगाया है। तो उसका साउंड सुनो भाई, आवाज फुल है। और भाई ये देखो यहाँ पर अपना फेंडर मिरर भी इंस्टॉल होने लग रहा है, जो कि इससे पता है क्या होता है साइड वगैरह दिख जाती है अपनी नॉर्मली, जैसे कि स्क्रैच पड़ते हैं ना, तो उससे पहले बोनट से वहाँ से ड्राइवर को दिख जाता है, मिरर लगाओगे साइड लग जाएगी इतने में, है ना, तो ये फायदा हो जाता है इसका थोड़ा बहुत। तो भाई अभी हमारे साथ जुड़े हुए कार के ओनर, तो कैसे हो भैया?
बढ़िया। एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए थोड़ा सा आपका। मेरा नाम विनोद सेठी है, मैं हिमाचल से हूँ, सुंदरनगर। ओके ओके, हिमाचल से। तो भैया कैसा लगा आपको काम सबसे पहले स्कॉर्पियो का? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, पूरी सेटिस्फेक्शन है? हाँ जी हाँ जी। मतलब आपने अपनी चॉइस से करा था या इन्होंने बताया भी आपको? थोड़ी चॉइस मेरी थी, बाकी इन्होंने गाइड किया मुझे। अच्छा अच्छा, गाइडेंस अच्छी मिल गई मतलब आपको। तो आपने कितने खर्च कर दिए फिर स्कॉर्पियो S11 पे? बस हो रहा है अभी खर्चा। अच्छा, हो ही रहा है मतलब। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तो ये होता है कि बेस मॉडल लेके अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कराया जाए, और आपकी तो ऑलरेडी टॉप मॉडल थी, उसके बाद आपने काम कराया। थोड़ी सी कमियां थी वो। ओके ओके, जो मतलब पर्सनल टेस्ट को, पर्सनल टेस्ट के हिसाब से, बाकी गाड़ी सेटिस्फेक्शन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब चलाई ड्राइव वगैरह में सही लगती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके भाई, स्कॉर्पियो का तो नाम चलता है वैसे भी, और धाकड़ गाड़ी है। बिल्कुल धाकड़ गाड़ी है, हरियाणा वालों के लिए तो ज्यादा होती है, टोरेबाजी के लिए होती है मेनली। तो भैया आपने पहले भी रख रखी है इससे पहले? मेरे पास इससे पहले TUV थी। अच्छा, TUV मतलब SUV रखी आपने ज्यादातर, तो फिर तो आपको फील आई आएगी तगड़े वाली। ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो भैया? किया मैंने इस पर ऑफ रोडिंग, हिमाचल में बहुत बढ़िया किया। अच्छा, करी थी? रॉक पे गया हूँ मैं बिल्कुल। ओ भाई साहब, क्योंकि भाई इसको ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार स्कॉर्पियो क्लासिक को। हाथी है ये बिल्कुल। और भैया एक चीज और बताओ, स्कॉर्पियो N भी आ चुकी है अब तो, फिर आपने क्लासिक लेने का प्लान कैसे बनाया? N स्कॉर्पियो N ही बुक करवाई थी। ओके, बट मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली, उसके लास्ट सीट पे बैठा, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। अच्छा, मतलब क्लासिक पहले वाली में फील थी। हाँ, ये असली स्कॉर्पियो इसी की में। ओके, सेटिस्फेक्शन है मुझे कि यही चलानी है। ओके ओके, थैंक यू भैया एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो भाइयों, स्कॉर्पियो S11 का काम तो मैंने आपको दिखा दिया, और अभी हमारे साथ जुड़े हैं सिल्वर स्टार के शॉप के ओनर आलोक भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया। तो आप ये बताओ, सबसे पहले शॉप कहाँ पड़ती है आपकी? शॉप तो हमारी करोलबाग में है, ब्लू जी रोड पे। ओके, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फोन नंबर भी। ओके ओके, आए यहाँ पे स्कॉर्पियो का काम कराए, सारा जेन्युइन पार्ट भी मिलते हैं सारे, और जो आपको भी टॉप मॉडल आई थी, हाँ, तो हमने और टॉप से ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप ये बताओ कि अगर कोई बिल्कुल बेस मॉडल लेके आता है स्कॉर्पियो के, तो उसमें टॉप मॉडल वाले सारे लग जाएंगे? सारे फीचर मिल जाते हैं, वही प्राइस डिस्काउंट जो देते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर सीट कवर की क्वालिटी तो आपने देखी है। हाँ हाँ, सीट कवर काफी अच्छे थे, टॉप में ही टॉप क्लास का, इंग्लिश का। हाँ, और भी बता रहे थे इम्पोर्टेड होते हैं शायद से, कपड़ा जो होता है वो इम्पोर्टेड। अच्छा अच्छा, वो बस बनाने का साथ था। तो भैया इतने जो इसमें काम हुआ है स्कॉर्पियो S11 में सारा का सारा, अगर कोई लेके आता तो कितने बजट में हो जाएगा उसका? टॉप मॉडल में भाई साहब का बजट था तो 50,000 में इतना काम हो गया। अच्छा, 50,000 में हो गया। तो भाई यही थी वीडियो, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।